नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2022 का सीजन शुरू हो चुका है जिसमें राजस्थान रॉयल ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और 2 मैच में जीत हासिल कर राजस्थान रॉयल की टीम अभी भी पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। राजस्थान रॉयल का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाना है। इस महा मुकाबले को लेकर राजस्थान के कोच कुमार संकारा ने राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयरों को जगह मिली है और कौन से प्लेयर बाहर हुए हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी राजस्थान रॉयल को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 15 मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल के बीच खेला जाना है। इस महा मुकाबले को लेकर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की होने वाली है। राजस्थान टीम से ओपनिंग करने के लिए जोश बटलर क्रीज पर उतरने वाले हैं और उनका साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल खेलते हुए दिखाई देंगे। यशस्वी जायसवाल के स्थान पर देवदत्त पडिक्कल को मौका मिल सकता है। वहीं नंबर 3 पर कप्तान संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। कप्तान संजू सैमसन ने 2 मैचों में काफी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। वहीं नंबर 4 पर राजस्थान टीम से फिनिशर का रोल निभाने वाले शिमरोन हेटमायर को मौका मिलेगा। शिमरोन हेटमायर ने 3 मैचों में काफी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। वहीं नंबर 5 पर रियान पराग की जगह जिमी निशम खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिमी निशम वो एक ऑलराउंडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं नंबर 7 पर स्पिन गेंदबाजी के रूप में रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं नंबर 8 पर नाथन गुल्टर-नायर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नाथन गुल्टर-नायर पिछले कुछ सीजन में चोट की वजह से बाहर हुए थे लेकिन अगले मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं नंबर 9 पर तेज गेंदबाजी के रूप में ट्रेंट बोल्ट खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 10 पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 मैचों में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। वहीं नंबर 11 पर यजुवेंद्र चहल का खेलना तय है। यजुवेंद्र चहल ने पिछले 3 सीजन में काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की हो सकती है। अगर प्लेइंग 11 में हमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसे पहले अपडेट देंगे। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।